पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में के तहत टीबी मरीजों की खोज एक्टिव के फाइंडिंग के लिए शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी की अध्यक्षता में चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की सेंट्रलाइजेशन बैठक आयोजित हुई। प्रधानमंत्री द्वारा टीबी उन्मूलन वर्ष 2025 के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम जनपद में सक्रिय क्षय रोग खोज ACS अभियान के तहत 10 जून से 22 जून 2019 तक ऐसे क्षेत्र जहां के निवासियों में टीबी संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा और 6 रोगियों की खोज कर उनका संपूर्ण इलाज और प्रतिमाह 500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इस अवसर पर कार्यशाला में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र, डॉक्टर आलोक पांडे, डॉक्टर BK सुमन, डॉक्टर अजय देव कुरियर, डॉक्टर B कुमार, डॉक्टर विराट स्वरूप, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर HN पांडे, PPM अभय नारायण मिश्र सहित अन्य चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी ने कहा, 52 सुपरवाइजर्स हैं और MOTC सब जगह के दो ट्रीटमेंट हम लोग फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन की दवाई चलती है। फर्स्ट लाइन में 4 तरह की दवाई है, इसमें डिफेंसिव माइंडोफोर, सेकंड लाइन में जो NDR FDR के पेशेंट और ड्रग रेजिस्टेंट TB के पेशेंट हैं वो सेकंड लाइन का ड्यूरेशन। अगर एक पेशेंट पहले सर NDR का पेशेंट अगर दवा स्टार्ट करते थे 24 महीने हम लोग के जिले में है बैठे पे की दवाई अवेलेबल है। अब डेलामाइट का ट्रेनिंग हम लोग यहाँ हो चुकी है, डेलामाइट हो सकता है स्टेट में लॉन्च हो जाएगी। कोई सर मॉनिटरिंग करने के बाद ठीक लगता है तो उसको DRT सेंटर है जरूर लगा रहे तो आप ड्रग उसको एक देते हो और बीच में DR जो पेशेंट को MDR डायग्नोज होता है सर तो DRT सेंटर जाता है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन कराने का तो वहाँ कमेटी है। ये हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम 10 तारीख से 22 तारीख तक जनपद में चलाया जाएगा। उसी के संदर्भ में जिला स्तरीय कार्यशाला थी जिसमें कि जिले के हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स ने प्रतिभाग किया। ये अभियान 10 से जो चलेगा इसमें करीब 206 टीमें हमने बनाई हैं और 618 लोग उसमें कार्य करेंगे जिसमें MOTCs हैं, LTs हैं, SLTs हैं और सारे लोग मिल के काम करेंगे। आपके गोरखपुर जनपद की 10% पॉपुलेशन को हम इसमें कवर करेंगे। लगभग 483,000 लोग का हम स्क्रीन करेंगे और उसमें जो भी केसेस पाए जाएंगे उनकी जांच होगी। जांच में यदि सिद्ध पाए जाते हैं तो उनका पूरा संपूर्ण TB का इलाज निःशुल्क होगा और जो भी उनको मानदेय शासन की तरफ से निर्धारित है 500 रुपये भरण पोषण का वो भी उनको प्रदान किया जाएगा। हमारा ये अभियान पहले भी चल चुका है और इस अभियान में हम नए करीब 5 लाख लोगों को स्क्रीन करेंगे।